स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का अद्भुत रहस्य क्यों प्रसिद्ध है यह मंदिर, चलिए जानते हैं। भगवान शिव के कई मंदिरों के दर्शन आपने किए होंगे, लेकिन आपको आज शिव जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर हैरानी होगी। जी हाँ, हम भगवान शिव का यह मंदिर दिन में दो बार गायब हो जाता है। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से ही गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। यह मंदिर गुजरात के अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच में मौजूद है और हाई टाइड के दौरान यह मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है। हाई टाइड का स्तर नीचे हो जाने पर यह मंदिर फिर ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों में भीड़ जमा हो जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा है। बताया जाता है कि राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का ही पुत्र मार सकेगा और वह भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने आतंक मचा दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित कर दिया। अंततः देवता महादेव की शरण में पहुँचे। शिव शक्ति से श्वेत पर्वत में कुंड में उत्पन्न हुए शिवपुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आँखें, 12 हाथ थे। कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया था। जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त था तो वे काफ़ी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वध स्थल पर शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत के गुजरात में स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध है। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।